क्लास 10 के सभी छात्रों का एक बार फिर स्वागत है गणित दर्पण चैनल पे। हम पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी। कंटिन्यू पढ़ते हुए हमने 5.3 से टोटल हमारे 11 तक प्रश्न हो गए थे। आज देखेंगे 12वां। ठीक है, ये 12वां प्रश्न है, वो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 12वां, 13वां और 14वां। ठीक है, आगे जितने भी प्रश्न हैं सारे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इसमें से, पूरे साल से बोर्ड परीक्षाओं में आने के। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं 12वां प्रश्न। 12वां दे रखा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो कि 6 से विभाज्य है। ठीक है, यहाँ पे एपी ना देके आपको क्या बोला है कि ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग निकालना है जो 6 से विभाज्य है। तो सिंपल सा, सबसे पहले आपको एक एपी बनानी है, राइट। तो लेता हूँ मैं इसको नेक्स्ट पेज पे और इसको करते हैं सॉल्व। तो देखिए, सबसे पहले लिखना है कि 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य धन पूर्णांक, यानी पॉजिटिव संख्या आपको लिखना है और जो 6 से विभाज्य है। अब 6 से विभाज्य हो यानी कि 6 का भाग जाना चाहिए। तो सबसे पहले 6 का भाग किस में जाएगा? प्लस वाली संख्या में, 6 में जाएगा। उसके बाद में किस में जाएगा? 12 में। उसमें उसके बाद 18, फिर 24, एक तरह से 6 का टेबल आपको लिखना है, डैश डैश डैश। अब आगे है वो कितनी संख्या है, वो आपको 40 पदों तक कुल मिला के आपको निकालना। तो यहाँ लिख लेते हैं 40 पदों तक, ये आपको लिखना है 40 पदों तक। ठीक है, अब पूछा है योग, तो योग का सूत्र लगा देंगे। ए है आपके पास में, सार्वांतर है और 40 पद है, तो इजीली आप SN का सूत्र लगा के इन 40 पदों का योग है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं कि यहाँ पे जो प्रथम पद है, प्रथम पद ए है, वो क्या है हमारे पास? देखिए, प्रथम पद है वो पहला पहले संख्या है 6 है, तो आ जाएगी 6। फिर यहाँ पे सार्वअंतर निकाल देते हैं, तो सार्वअंतर जो आ जाएगा डी, वो कितना आ जाएगा हमारे पास? देखिए, 12 में से 6 गया तो 6 ही आएगा। और उसके बाद में हम पदों की संख्या लिख लेते हैं, तो पदों की संख्या वो हमें पहले से इसने बोल दिया है कि 40 पदों तक योग ज्ञात कीजिए। तो पदों की संख्या जो एन है वो है हमारे पास कितनी? 40। ठीक है, अब सीधा जो योग वाला सूत्र है वो हम लगा देंगे। एस एन बराबर क्या होता है? एन बाय टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन और डी। ठीक है, ये सूत्र हो गया। अब इसके अंदर सभी मान है वो पुट कर देते हैं। देखिए, एस पदों की संख्या है वो 40 है, तो n के स्थान पर आ जाएगा हमारे कितना? 40। फिर बराबर यहाँ पे वापस n है, तो ये जा जाएगा 40/2। फिर वापस 2a यानी 2 और a, प्रथम पद है वो कितना है? 6 है, तो लिखो 6। फिर प्लस n माइनस वन, n है वो 40 है, फिर माइनस और 1, d है वो कितना निकाला है? 6, ये आ गया 6। और ये सभी मान है वो रख लिए हमने। ठीक है, अब इसको करना है सॉल्व, तो आगे हम सॉल्व कर देते हैं इसको। देखिए, 40 में 2 का भाग जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 20। 40 में 2 का भाग दिया, 20 आ गया। आगे भी सॉल्व कर दो, 6, 2 का गुणा जब 6 से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 12। ठीक है, और उसके बाद में आपके प्लस 40 माइनस 1 यानी आ जाएगा 39, इंटू है हमारे पास आगे 6। सॉल्व करो इसको, 20 12 फिर प्लस, अब देखिए 39 का गुणा जब 6 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 234। तो ये आपको गुणा करके देखना है, 234 आ जाएगा। फिर 20, 12 और 234 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपके पास में 246, 2, 4 और 6। वापस गुणा कर दो, 20 का गुणा 246 से करेंगे तो उत्तर आ जाएगा हमारे पास 4,920। ये आ गया हमारे 6 से विभाज्य होने वाले 40 धन पूर्णांकों का योग, ये आ गया आंसर। तो इस ढंग से आपको 12वां प्रश्न करना है। अब लेता हूं मैं 13वां प्रश्न। चलिए 13वां प्रश्न करते हैं। 13वां क्या दे रखा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 8 के प्रथम 15 गुणज का योग निकालना है, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे सबसे पहले इसकी एपी बनाएंगे। तो सॉल्व करता हूँ, 13वां लिखेंगे 8 के गुणज। अब गुणज का मतलब भी यही होता है कि 8 का भाग किस किस में जाता है, वो आपको एक सीरीज बनाना है। ठीक है, तो 8 का भाग 8 में जाएगा,
आठ का भाग 16 में जाएगा, आठ का भाग 24 में जाएगा, और डैश 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 करके आपको 15 गुणज टोटल उनका योग निकालना है, यानी 15 पदों तक लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपके प्रथम पद निर्धारित हो गया। प्रथम पद ए है वो कितना है हमारे पास, 8। सार्व अंतर है वो कितना है, डी। डी कितना हो जाएगा, 16 में से 8 घटा दो तो कितना आ जाएंगे, 8। और आपके जो पदों की संख्या है, यानी कितने पदों तक योग निकालना, वो है पदों की संख्या, एन आ जाएगी हमारे पास, एन। एन आ गया, कितने पदों तक पूछा है, 15 पदों तक, तो आ जाएगा 15। ठीक है, अब सूत्र लगाना है एस एन वाला, योग निकालना है तो योग का सूत्र लगा दो, एस एन बाय बराबर एन बाय टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन और डी ब्रैकेट बंद। सभी मान रख लेते हैं एक बार, चलो यही रख लेता हूँ मैं। एस अब एन के स्थान पर आ जाएगा 15, क्योंकि 15 पदों का योग निकालना है, 15 आ जाएगा यहाँ पे, 15/2 आ जाएगा, फिर 2a, 2 और a के स्थान पर आ जाएगा 8, क्योंकि प्रथम पद 8 है, फिर प्लस एन माइनस वन यानी कि 15-1 और डी है वो कितना है, 8। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करो। तो 15/2, 15/2 भाग जाता नहीं है, तो एक बार मैं इसको ऐसा का ऐसा रखता हूँ, 15/2 आ गया। 2 का गुणा जब 8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 16, यहाँ 16 लिख लो, फिर प्लस 15 में से एक गया तो क्या बचा हमारे पास, 14, और 12 है 8 है, ऐसे कि ऐसे लिख लो, 15/2, इसमें मैं कोई चेंज नहीं कर रहा, फिलहाल ऐसा का ऐसा छोड़ा है, ये 16, फिर प्लस यहाँ पे देखिए 14 का गुणा जब 8 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 112। करो इसको सॉल्व, 15/2, 16 और 112 मिलके कितने हो गए, 128। अब देखिए 2 का भाग है वो 128 में पूरा पूरा जा रहा है, तो दे देंगे हम 64। ठीक है, अब 64 का गुणा जब 15 से होगा, यानी 15 का गुणा जब आप 64 से करेंगे तो आपके उत्तर आ जाएगा 960। ये आ जाएगा आपके 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, आपको पूछा है तो आपके योग आ गया 960। क्लास 10th में हम पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी, 5.3 से हमारे 14 प्रश्न है वो हो गए, आज देखेंगे 15वां प्रश्न। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है, पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है, एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है। यानी एक प्रश्न है, उसके अंदर कोई ठेकेदार है और ठेकेदार को कार्य करने के लिए दिया गया है, अब वो ठेकेदार किसी कार्य को विलंब से अगर पूरा करता है तो उसमें जुर्माना लगाने का प्रावधान है। तो यहाँ पे अगर एक दिन वो लेट करता कार्य तो उसके 200 रुपये लगेंगे, दूसरे दिन लेट करता है तो, दो दिन लेट करता है तो 250 लगेंगे, यानी प्रत्येक दिन जब ज्यादा ले रहा है तो उसके लिए 50 रुपये अधिक लगेगा। तो इस ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह 30 दिन कार्य लेट कर देता है। ठीक है, तो हम लेते हैं इस प्रश्न को, ये जितना बड़ा प्रश्न लग रहा है उतना ही हमें ये सरल नजर आएगा, देखिए कैसे प्रश्न है। यहां से मैं सीधा इसकी जो अभीष्ट एपी है वो बना देता हूं, लिखता हूं मैं प्रश्न अनुसार अभीष्ट एपी, कलर चेंज कर लेते हैं, येलो ले लेते हैं। ठीक है, प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार अभीष्ट एपी, और प्रश्न अनुसार एपी का निर्माण हो जाएगा। देखिए सबसे पहले पहले दिन का जो जुर्माना था वो कितना है, 200 रुपये, और 50 रुपये अधिक हो जाएंगे दो दिन के लिए तो 250, तीसरे दिन के लिए 300। ठीक है, ऐसे करते करते कितने दिनों तक चलेगा ये कार्य,
30 दिन तक उसने विलंब किया है, यानी 30 दिनों तक हमें जुर्माना टोटल योग ज्ञात करना है। तो यहाँ लिख सकते हैं 30 दिनों तक, 30 दिन तक, ठीक है। अब यहाँ पे प्रथम पद लिख लेता हूं मैं, प्रथम पद को ए से प्रेजेंट करते हैं, तो ए हमारे पास कितना है, 200, तो यहाँ लिख लेता हूं मैं 200। इसी प्रकार सार्वद्रोणी से लिखते हैं, डी कितना है, 250 में से जब 200 घटाएंगे इस दूसरे पद में से प्रथम को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 50। और ऐसे ही पता चल रहा है कि देखिए कि जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है, तो ये अंतर कितना है, 50 है, तो ये सार्व अंतर फिक्स हो गया 50, ठीक है। अब मैं 30 दिनों के पश्चात दी जाने वाली जुर्माने की राशि है वो निकाल देते हैं। साथ ही आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं दिनों की संख्या, या फिर एन लिख सकते हैं, एन बराबर कितना है हमारे पास, 30, ठीक है। ए है, डी है और एन है, इजीली आप एस एन निकाल सकते हैं। तो यहाँ 30 दिनों का जुर्माना निकालने के लिए आप एस एन का सूत्र लगाएंगे, एस एन बराबर एन बाय टू, 2a प्लस एन माइनस 1 और डी, ठीक है, ये सूत्र हो गया। तो यहाँ रख देते हैं सभी मान, तो एन की जगह मैं 30 लिखूंगा, एन बाय टू यानी 30/2, 2a, 2 और a है वो कितना है हमारे पास, 200, तो यहाँ लिखो 200। फिर प्लस एन माइनस 1, एन कितना है, 30 है, तो यहाँ लिखो 30 - 1 और डी, डी है वो कितना है, 50 है, तो यहाँ लिखेंगे 50, ठीक है। अब देखिए इसको करते हैं सॉल्व, 30 में जब 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 15। अब 2 × 200 कितने हो जाएंगे, 400। फिर 50 प्लस 30 में से 1 गया तो क्या बचा, 29, और × 50, 15 ऐसा का ऐसा, ये जो 400 है ऐसा का ऐसा लिखता हूं मैं एक बार, 29 × 50 कर दो, 29 का गुणा जब 50 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1450। तो 15, 400 और 1450 को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1850, ठीक है। अब 15 × 1850 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 27,750, ये आ गया आपके टोटल 30 दिन का जुर्माना। तो लिख सकते हैं अंत में कि 30 दिन के पश्चात दी जाने वाली जुर्माने की राशि बराबर हो जाएगी 27,750, ये आ जाएगा आंसर। पांच पॉइंट तीन का जो 16वां प्रश्न है वो देखेंगे, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है, यानी टोटल 7 पुरस्कार का डिवाइड करना है और 700 रुपए है वो टोटल रकम है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 7 पुरस्कार को डिवाइड करना है और नियम ये है कि प्रत्येक पुरस्कार है वो दूसरे पुरस्कार से जो 20 रुपए है वो कम होगा, यानी सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल के जैसे 100 रुपए है अगर किसी को दिए तो दूसरा पुरस्कार कितना होगा, 80 रुपए, यानी 20 है वो कम हो जाएगा। अब यहाँ पे हम मान लेंगे कि माना जो प्रथम पुरस्कार है या फिर पहले विद्यार्थी को दी गई पुरस्कार की राशि है वो क्या मान लेंगे, X रुपए, ठीक है। तो यहाँ से लेता हूं मैं नेक्स्ट पेज पे इसको, अच्छा प्रश्न है और बोर्ड में आने लायक प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ से ले लेते हैं 16वां प्रश्न हल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखता हूं माना पहले विद्यार्थी को दी गई पुरस्कार की राशि, ठीक है, मान लेते हैं X रुपए, ठीक है। ये हमें पता नहीं था तो हमने मान लिया कि माना पहले पुरस्कार राशि कितनी हो गई, X रुपए। तो दूसरे विद्यार्थी को दी गई पुरस्कार की राशि कितनी हो जाएगी, दूसरे विद्यार्थी को दी गई राशि, ठीक है, आप पूरा लिख सकते हैं पुरस्कार की राशि, मैंने सीधा लिखा राशि, ये कितनी हो जाएगी। देखिए पहले को x दिए और दूसरी कंडीशन क्या है कि प्रत्येक
जो पुरस्कार है वो अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, तो यहाँ से दूसरी हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, x-20, यानी 20 रुपये है वो कम हो गए। इसी प्रकार अगर तीसरे की बात करें तो तीसरे विद्यार्थी को, तीसरे विद्यार्थी को दी गई राशि कितनी हो जाएगी, 20 रुपये और कम कर दो, यानी x-20 दूसरे को दिए तो तीसरे को कितनी मिलेगी, x-40, 20 रुपये और कम हो गए। ठीक है, अब यहाँ से एक एपी तैयार हो गई आपके एक तरह से, जिसमें पहली जो पहला पद है वो x है, दूसरा पद है वो x-20 है, और तीसरा पद है वो x-40 है। इस ढंग से 7 पद होंगे, तो हम लिख सकते हैं यहाँ अभीष्ट एपी, यहाँ लिख लेता हूँ, अतः अभीष्ट जो एपी है वो क्या हो गई हमारे पास, पहला है x, दूसरा जो है x-20, तीसरा है वो x-40 पद है। ठीक है, 3 पद है, इजीली हम सार्वांतर निकाल सकते हैं, तो सब लिखने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे मैं निर्धारित कर लेता हूँ प्रथम पद, प्रथम पद है जो ए है वो क्या है, प्रथम पद ए एक्स हो गया, सार्व अंतर लिख लेता हूं मैं, सार्व अंतर को डी से लिखते हैं, और दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाओ, दूसरा पद क्या है देखिए x-20 है और पहला पद क्या है x, जब मैं घटाऊंगा, चलिए मैं घटा के बता देता हूँ, x-20 है और इसमें से घटाना क्या है मुझे x, तो x-20 ब्रैकेट खोल दिया और ये माइनस आ गया x, पीछे प्लस का x है और माइनस का x है तो कट जाएगा, तो यहाँ से हम काट देते हैं इसको, देखिए x कट गया x से, तो क्या बचा हमारे पास माइनस के 20, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 20, सार्वांतर आ गया और प्रथम पद आ गया। ठीक है, और s हमें टोटल प्रत्येक पुरस्कार का मान निकालना है, यानी हमें क्या निकालना है x का मान, क्योंकि हमने मान लिया है कि प्रथम पुरस्कार की राशि वो x है, अगर x आ जाएगा तो सभी पुरस्कार की राशि वो आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं s7, s7 बराबर क्या होगा, चलिए पहले सूत्र लिख लेता हूं मैं, sn बराबर क्या होता है, sn बराबर होता है n/2, 2a+n-1 और d, तो s7 यहाँ दे रखा है क्योंकि 7 पुरस्कार है और 7 पुरस्कार की जो राशि है टोटल कितनी है, 700 है, तो यहाँ से 7/2 आ जाएगा, और 2a, a के स्थान पर कितना लिख सकते हैं हम x, क्योंकि प्रथम पद क्या है x, फिर प्लस n-1 करना, यानी 7-1 आ जाएगा, और d सार्वांतर कितना है माइनस का 20, तो ब्रैकेट के अंदर -20 लगा दो। ठीक है, ब्रैकेट बंद, s7 है वो कितना हो जाएगा 700, क्योंकि टोटल जो पुरस्कार की राशि है वो कितनी है 700, तो यहाँ मैं लिखूंगा 700 बराबर 7/2 2x प्लस, यहाँ से देखिए 7 में से 1 घटा दो कितना आ जाएगा 6 इंटू, यहाँ ब्रैकेट में कर दो -20। ठीक है, और मैं थोड़ा इसको खिसका देता हूँ इधर, देखिए यहां से ऊपर अंश में है वो 7 है और नीचे हर में कितने हैं 2 है। ठीक है, तो अगर इसको वज्रगुण करेंगे कैची गुणा, तो यहाँ आ जाएगा 700, नीचे आ जाएगा 7 और इंटू आ जाएगा 2। ठीक है, ये 2 गुणा में ऊपर चला गया और 7 है वो नीचे आ गया, फिर बराबर 2x, इसको सॉल्व कर देते हैं 6 इंटू 20 करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 120। आगे हल करो इसको, और देखिए 7 का भाग है वो 700 में पूरा पूरा जा रहा है, कितनी बार जाएगा 100 बार। ठीक है, तो 7 से 700 कट गया 100 बार, और 100 का गुणा जब 2 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 200 बराबर 2x-120। अब ये जो -120 है पक्षांतर हो गया इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा 200 + 120 बराबर 2x, अब 200 और 120 मिलके कितने हो गए 320 बराबर आ जाएगा 2x। अब देखिए 2 का भाग लग जाएगा क्योंकि x का मान लाना है, तो यहाँ 2 का भाग दे देंगे, तो 320 में 2 का भाग दे दो तो x का मान आ जाएगा कितनी बार जाएगा 160 बार, आधा करना है x का मान आ गया 160।
यानी आपकी प्रथम पुरस्कार की राशि आ गई 160। अब सभी पुरस्कार की राशि इजीली आप निकाल सकते हैं, तो यहाँ अतः 7 पुरस्कार लिखेंगे, अतः 7 पुरस्कार कर्माशय कितने हो जाएंगे। पहला पुरस्कार हो जाएगा 160, दूसरा हो जाएगा 140 क्योंकि 20 रुपये कम करना है, और तीसरा हो जाएगा 120, चौथा हो जाएगा 100, पांचवा हो जाएगा 80, छठा हो जाएगा 40 और सातवा हो जाएगा 20। ठीक है, तो इस ढंग से, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ये 60 करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 100 से 20 की कम किए तो 80 आ गया, 80 में से 20 कम करें तो यहाँ 60 आ जाएगा, और 60 में से 20 कम करेंगे तो आ जाएगा 40। तो इस ढंग से सभी पुरस्कार की राशि आ जाएगी। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सात, 7 के 7 पुरस्कार आ गए,